Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Assalamu alaikum students. Aaj ka jo humara topic hai, wo hai electric intensity due to a point charge. ये हमारा आज का टॉपिक है. पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स ला के काफ़ी वीडियो बन चुकी हैं. अगर देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप उधर से देख सकते हैं. तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स ला, कि कूलम्स ला के मुताबिक द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई टेस्ट चार्ज मीन क्यू नॉट placed in the field of a charge q in is given by, कि जो ये फार्मूला ये हमने पीछे ड्राइव किया हुआ है बहुत एक्सप्लेन ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया कि ये फार्मूला कैसे आया, क्यों आया. मैं शॉर्ट बता देता हूँ कि ये फार्मूला कूलम ला में है. कूलम ला में हमने इस फार्मूले को ड्राइव किया था, जिसमें जो ये फोर्स है और जो ये हमारे पास ये क्यू की है कॉन्स्टेंट है हमारे पास. देखें इधर कि जो हमारे पास है ना, फोर्स इज इक्वल टू के ओवर क्यू, क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर. हमारे पास जो के है वो इसके इक्वल है, वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ई. तो ये क्यू है और ये क्यू नॉट है और ये आर स्क्वायर है. ये आर स्क्वायर है, क्यू नॉट हमारे पास टेस्ट चार्ज है, ये क्यू हमारे पास चार्ज है. तो हमारे पास ये जो आर है ये हमारे पास रेडियस है, किसके दरमियान, ये चार्ज और टेस्ट चार्ज के दरमियान ये आर हमारा रेडियस है. ओके, ये अगर पीछे देखेंगे तो पिछला जो लेक्चर है तो आपको इसकी अच्छी तरह समझ लग जाएगी. आगे है, एज़ वी नो डैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर क्यू नॉट. ये भी हमने पीछे एक्सप्लेन कर लिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट है. ओके, हम इसको इस तरह, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में, हम इसको स्केलर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट. ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है. ओके, तो अब इसमें क्या है कि हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसकी, पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं कर रहे हैं. हमारे पास ये दो फार्मूले, एक वेक्टर फॉर्म एक स्केलर फॉर्म में है. हम इसको स्केलर फॉर्म में यूज़ करते हैं फार्मूले को. हमने इस इधर लिख लिया कि ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट. तो हमारे पास एफ की वैल्यू हमारे पास ये गिवन, ये दी गई है, तो इसको हमने इधर पुट किया. देखें ये हमारे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, तो इज इक्वल टू क्यू नॉट वैसे का वैसी है, और एफ की इधर वैल्यू पुट कर दें. ये के है और ये मैंने पहले बता दिया कि ये इक्वल ही है. ठीक है, तो अब इसको क्या होगा, क्यू ये क्यू क्यू नॉट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा वन ओवर फोर एक्स पाई एप्सिलॉन नॉट ई क्यू और आर स्क्वायर बन जाएगा. ये हमारे पास बन गया. तो अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्यू के क्यू ओवर आर स्क्वायर. ये यूनिट वेक्टर है हमारा. ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा आज की वीडियो थी. तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए. जज़ाकअल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.